क्या हाल चाल है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोकिया की तरफ से आने वाला बाहुबली कीपैड फ़ोन नोकिया 8000 4G कीपैड फ़ोन। मैंने आपको जितनी भी नोकिया के कीपैड फ़ोन बताए ये सबका बाप है, हर एक चीज़ आपको एकदम बेस्ट इन क्लास मिलेगी। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आपको जानना है इसी वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, नोकिया ने ऐसे कीपैड फ़ोन में हर एक चीज़ एकदम बढ़िया घुसेड़ दी। सबसे पहले डिस्प्ले आपको काफ़ी बड़ी मिलेगी, यूट्यूब का सपोर्ट मिलेगा, व्हाट्सअप का सपोर्ट मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा। बिना फालतू की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अनबॉक्सिंग के बारे में। कुछ इस टाइप का बॉक्स मिलता है, सामने आपको नोकिया की ब्रांडिंग मिलती है, पीछे आपको इसके मेन हाइलाइट्स मिलते हैं। डब्बा को खोलते हैं, सबसे पहले आपको ईयरफोन्स मिलेगा, कीपैड फ़ोन मिलेगा, चार्जर मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, 1500 mAh की बैटरी मिलेगी। फ़ोन को बूट करते हैं, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एकदम आपको सॉलिड जैसा डिज़ाइन मिलता है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। 2.8 inch की काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलेगी, डुअल 4G सिम का सपोर्ट मिलेगा, 1500 mAh की बैटरी मिलेगी जिससे आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलेगा। ऊपर की साइड देखोगे आपको पावर बटन मिलेगा, बगल में आपको 3.5 mm जैक का सपोर्ट मिलेगा, पीछे देखोगे आपको स्पीकर का सपोर्ट मिलेगा। खास बात है, नोकिया ने इस कीपैड फ़ोन में आपको काई OS का सॉफ्टवेयर दिया, अगर एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर होता काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। फिर भी आप काफ़ी सारी एप्लीकेशन को चला सकते हो, जैसे आप यूट्यूब को चला सकते हो, व्हाट्सअप को चला सकते हो, फेसबुक को चला सकते हो। इनका खुद का स्टोर है जहाँ से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। पीछे देखोगे आपको कैमरा मिलेगा 2 MP का। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ, आपको डुअल 4G सिम का सपोर्ट मिलेगा, वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, हॉटस्पॉट का सपोर्ट मिलेगा, GPS का सपोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलेगा। जो भी कनेक्टिविटी होना चाहिए सारी कनेक्टिविटी मिलती है। मैक्सिमम आप 32 GB का मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो, 512 MB की रैम, 4 GB की स्टोरेज मिलेगी। साथ में आपको गेम्स का भी सपोर्ट मिलेगा। इस कीपैड फ़ोन में आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलता है जिससे आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लाइडली बेटर मिलेगी। प्राइस के बारे में बात करूं तो प्राइस मेरे को इतनी ज़्यादा कोच अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस कीपैड फ़ोन का प्राइस आपको 13,000 से लेके 15,000 रुपये के अराउंड मिलेगा। प्राइस के हिसाब से एकदम बकवास है, क्योंकि 15,000 में आपको प्रॉपर स्मार्टफोन मिल जाएगा जिसमें आप काफ़ी अच्छी गेमिंग वगैरह कर सकते हो। कैमरा भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, 5G मिलेगा, टच स्क्रीन मिलेगा। फिर नोकिया का कीपैड फ़ोन क्यों ख़रीदें? पहली बात तो आप ख़रीद नहीं पाओगे, क्योंकि ये कीपैड फ़ोन इंडिया में फ़िलहाल अवेलेबल है नहीं है। आपको ख़रीदना है, इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो।